गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग धातु और अधातु के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें जो है धातु के बारे में भी आप लोगों को समझाए थे कि धातु के अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं और अधातु के अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं, इसको जो है सो विस्तार पूर्वक आपको जो है सो बताए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे इसमें कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। ठीक है, आगे इसमें हम लोग पढ़ना है क्या चीज, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से अभिक्रिया आप लोग जो है सो बहुत सारे पदार्थ आप लोग जैसे मान लीजिए कि लोहा से बने अनेक प्रकार के जो है सामग्री या सामान आप लोग देखे होंगे, उसमें जो होता है क्या चीज, उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, वे जंग लग जाता है। तो जंग लगना जो है सो ये कौन सा प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, ये भौतिक प्रक्रिया है कि रासायनिक प्रक्रिया है? तो ये जो होता है सब किसके अंतर्गत, तो ये रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। इसमें जो है देखिएगा, इसमें क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि लोहा, ठीक है, लोहा प्लस लोहा और जल, ठीक है, नमी जिसको बोलते हैं, लोहा प्लस जल प्लस क्या चीज, ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तीनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, कि लोहा ऑक्साइड बन जाता है। क्या चीज, लोहा ऑक्साइड क्या हो जाता है, लोहा ऑक्साइड बन जाता है। किसके किसके मिलने से, जैसे लोहा होता है और क्या चीज, इसमें जल और नमी की मात्रा से और क्या चीज, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है, लोहा ऑक्साइड बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि जंग लग गया। ठीक है, उसको जो है सो जंग लगने से बचने के लिए उसको जो है सो किसी भी धातु को, ठीक है, या पदार्थ को उस पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या चीज का लेप लगाया जाता है जी, जंग लगने से जो है बचाने के लिए जो है सो जस्ता या जिंक का जो है सो क्या चीज, उसके परत जो है चढ़ाया जाता है, जो उजला टाइप की दिखाई देता है, इसलिए जो है सो उसपे क्या होता है जी, जंग नहीं लगता है। इसलिए बहुत सारा आप लोग सामग्री देखे होंगे कि जो है लोहा का बना होता है लेकिन ऊपरी परत पर जो है क्या चीज, जस्ता की मात्रा जो है सो जस्ता की परत जो है चढ़ा दिया जाता है, तो उसपे क्या होता है जी, उस पर जंग लगने की संभावना नहीं होती है। समझ गए हम लोग, उसके बाद से इसमें हम लोग आगे कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे कि एक वारेजिया, ठीक है, एक वारेजिया क्या होता है इसमें हम लोग जानेंगे और समझेंगे। क्या थी एक वारेजिया, नेक्स्ट इसमें पढ़ना है क्या चीज, एक्वारेजिया जो होता है क्या चीज, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल कि क्या होता है, एक मिश्रण होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, किसका किसका, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों का मिश्रण को क्या बोलते हैं जी, एक्वारेजिया बोला जाता है। तो इसमें जो होता है सोना और प्लेटिनम, ये धातु को जो है सो क्या होता है जी, इसमें गला देता है। ठीक है, इस पात्र में क्या किया जाता है, गला देता है। और जो है सो आप लोग देखे होंगे कि जो सोना के जो आभूषण होते हैं उसमें कभी कभी क्या होता है जी, वो मैला टाइप के मतलब उसमें गंदा हो जाता है, उसको जो है सो सोनार किया उसको दिया जाता है, तो क्या करने के लिए जी,
उसको एक्वालेजिया में उसको जो है गला करके क्या बना देते हैं, चमकीला विस्तार पूर्वक बना देते हैं। ठीक है, तो जैसे उसमें क्या क्या चीज रहता है, उसमें जो है हाइड्रो क्लोरिक सांद्र और जो है सो नाइट्रिक का सांद्र, ये दो चीजें होते हैं कि जिन्हें सो क्या होते हैं सोना या जिन्हें सो प्लेटिनम को ही वो गला करके क्या कर देते हैं कि चमकीला मतलब फ्रेश बना देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, तो आज के वीडियो में इतना है। ठीक है, इसके आगे जो है कल हम लोग और जानकारी करेंगे, तब तक के लिए।